शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। चाकू का डर दिखाकर एक स्थानीय से उसकी 11 लाख की कार लेकर भागे तीन लुटेरे को बेलतरोड़ी पुलिस ने धर दबोचा है। यह तीनों आरोपी ताजबाग परिसर के रहवासी है और घटना बेलतरोड़ी परिसर में घटी है। आरोपियों के नाम सचिन, हाफिज और सोनू है। जानकारी के अनुसार कार मालिक नाइक नगर निवासी गंगाराम रामदास पोलुले है। डुंडा मारुति से लौटते वक्त जब वह बेलतरोड़ी के पास रुके तब यह घटना हुई। तीनों आरोपी बाइक पर आए और चाकू निकालकर गंगाराम को धमकाया और उसके पास से 1300 रुपए नकदी और मोबाइल साथ ही कार को लेकर फरार हो गए। लुटेरे ड्रग्स के शौकीन है और वह सभी ड्रग्स के जुगाड़ से ही कार लेकर भागे थे। घटना का पता चलते ही बेलतरोड़ी पुलिस ने तीनों की छानबीन शुरू कर दी। इस मामले में कुछ ही समय बाद तीनों को पुलिस ने उमरे रोड से पकड़ लिया। आरोपियों के पास से 11,36,000 का माल जब्त किया गया है। यह तीनों आरोपियों के खिलाफ कई पुलिस थानों में चोरी चकारी के मामले दर्ज है। 6 तारखे की घटना है, 6 अगस्त 12:30 फिर गंगाराम पोलोलू वय 61 वर्ष है, राहणार मानेवाड़ा रोड, हे डुंडा मारुती या परिसरातून घरी येत होते। घरी येत असताना त्यांना तीन लोकांनी अडवलं। मोटरसायकलवर होते तिघेजणं। तिघांनी त्यांना मारहाण केली आणि त्यांचं वाहन हिसकावून घेतलं आणि त्यांच्याजवळचा मोबाईल आणि नगदी 1,355 रुपये असा माल चोरून आणि गाडी हिसकावून घेऊन पळून गेले। आम्हाला माहिती पडल्यानंतर आम्ही ताबडतोब 4-5 टीम बनवले आणि संपूर्ण परिसरात त्यांचा शोध घेतला असता उमरेड रोडवर कळमना हद्दीत ते गाडी सोडून पळून जात असताना पोलिसांनी तिघांनाही अटक केली आहे। त्यांच्याकडून जो जबरीनं चोरून नेलेला 11,36,555 रुपयाचा माल जप्त करण्यात आलेला आहे। आरोपी सध्या अटक आहे, पोलीस स्टेशन बेलतरोडीच्या ताब्यात आहे। सर, याआधी यांच्यावर काही गुन्हे वगैरे दाखल आहेत का? हे जे तिन्ही आरोपी आहेत यांच्यावर आधी बरेच रॉबरीचे गुन्हे दाखल आहेत आणि बरेच वेळा ते अटक झालेले आहेत। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागडे के साथ दीपिका धनेश्वर की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज, नागपूर।